और इस मोमेंट के बाद, विदाई के बाद, हम सब एक अलग जोन में थे. हर कोई बहुत हैवी हार्ट के साथ था, हर कोई रो रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम हर किसी के मन में ये बात थी कि मैं, अगर मैं रोऊंगा या अगर मैं रोऊंगी तो सामने वाले को कौन संभालेगा. तो शोएब टुक अ कॉल कि शोएब ने बोला कि मैं दिप्पी कुछ देर वेन्यू पे ही रहता हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारे काम भी निपटाने थे इसीलिए. एंड अगर शोएब रोते हुए पापा के सामने चले जाते तो पापा नहीं रुक पाते. अम्मी, हैट्स ऑफ, मतलब अम्मी पापा के सामने पहुँचने के बाद उन्होंने एक आंसू नहीं बहाया है. वो वहीं पे सोफे पे चुपचाप बैठी हुई थी, मुस्कुरा रही थी धीमी धीमी से. पापा थोड़ा रोए, बट क्योंकि वहाँ पे उस वक्त कोई नहीं रो रहा था, बच्चे रेहान, रिजा, सारा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. उन लोगों ने, घर पहुंचते ही रेहान पापा से बात करने लगा, रिजा सारा वहीं बैठ गए, कुछ कुछ बातें हो रही हैं. फिर मैं भी नहीं रोई, मैं बिल्कुल एकदम चुप हो गई. सो यू नो ऑल दैट, हम सब ने, एंड ऑनेस्टली उस सिचुएशन में किसी का भी ये कैमरा का तो ध्यान, मतलब वो तो दूर दूर तक आया ही नहीं, बट वो मोमेंट्स एज अ फैमिली मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि हम सब एक दूसरे को कितना ज्यादा वैल्यू करते हैं. एंड देन द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मॉर्निंग, एक रस्म होती है कि जो घर की लेडीज हैं, तो जैसे बेटी खाला, नाजा खाला, रिजा, सारा, मैं, मुमानी, हम सब मिलके सबा के घर गए. सबा के घर गए सुबह नाश्ता लेके. एंड वो सुबह मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल थी, क्योंकि जब मैं रेडी हो रही थी, जब मैं नहा रही थी, उसी वक्त से मेरा मन है ना हैवी होना शुरू हो गया था. यू नो इट्स जस्ट द थॉट, जस्ट द फैक्ट कि कल तक जो घर की बच्ची रही है, आज वो, मैं उसके घर जा रही हूँ. शी इज, यू नो, एक पल में शी इज़ इन अ डिफरेंट हाउस, वो वहीं पे रहने वाली है. इनफैक्ट अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो मैंने आज ये पोस्ट भी किया है, एंड ये कैप्शन भी मैंने एग्जैक्टली यही लिखा है, क्योंकि ये मोमेंट मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल था. मैं बहुत खुश थी कि मैं सबा को उस एक न्यू लाइफ में देख रही हूँ. यू नो सडनली मुझे उस दिन सबा को, जब मैंने सुबह देखा तो आई कुड सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन इन हर. मतलब मुझे अब वो मेरी छोटी जो सबा जो घर पे रहती थी उससे चेंज होके मुझे वो एक लड़की दिखाई दे रही थी, जो कि न्यूली मैरिड है, जो अपने ससुराल में है. देयर वाज अ सडन चेंज इन हर एंड इट वाज वेरी ब्यूटिफुल. लेकिन उस दिन मैंने शायद 20-30% या 50% मैंने वो फीलिंग्स सबा की विदाई से लेके उस दिन तक मैंने वो फीलिंग्स एक्सपीरियंस की हैं जो शायद एक माँ एक्सपीरियंस करती होगी जब हर डॉटर लीव्स हर हाउस और फिर वो किसी और घर को बिलोंग करती है. ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मायके से पूरा रिश्ता टूट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट यू नो इट्स दैट फीलिंग, इट्स जस्ट दैट कि ओके अब सबा उस घर की बहू है, अब वो वहाँ बिलोंग करती है. सो इट्स दैट. एंड फॉर मी, जब से मैं इस घर में आई हूँ, शोएब ने हमेशा सबा को एक बच्चे की तरह रखा है. वो शोएब के लिए आज भी बच्ची है, हमेशा रहेगी. लेकिन मेरे लिए भी जब से मैं इस घर में आई हूँ, मेरे लिए वो छोटी बच्ची रही जो बहुत नाइफ थी, बहुत इनोसेंट. वो आज भी मुझे बहुत प्राउड फील होता है सबा को लेके, एक कॉन्टेक्स्ट में कि उसकी इनोसेंस आज भी इंटैक्ट है. शी इज इवॉल्व्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ हर पर्सनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन उसकी वो जो साफ दिल है और उसका जो इनोसेंस है वो आज भी इंटैक्ट है. इस बात को लेके मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ. एंड हर तरीके से बहुत सारी चीज़ें मुंबई में आने के बाद ऐसी थी जो मैंने उसे सिखाई है और उसने बहुत ओपन हार्टेडली सीखी है. और सबा ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत 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 सारा. सो इतनी प्यारी लड़की के लिए उसकी शादी स्पेशल बनाना तो बहुत ज़रूरी था, है ना, था ना. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज़ हैप्पी. उसको हर एक चीज़ जो भी मैरिज में उसके लिए, उसकी खुशी के लिए जो भी अरेंजमेंट्स की गई थी वो पूरी तरह से वसूल हुई, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग फ्रॉम द छत की हल्दी टिल द वलीमा मुझे सबा सिर्फ स्माइल करते हुए दिखाई दी. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए था. जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में, अपने बहुत पहले जब मेरी प्रिपरेशन चल रही थी तब बोला था कि
हर एफर्ट, हर एक चीज सिर्फ इसीलिए है ताकि वो खुश रहे. यू नो, मुझे अभी भी याद आ रहा है कि जब हम वो हल्दी बारात में कॉन्फिटी ब्लास्ट में उसकी एंट्री करवा रहे थे, शी जस्ट लुक्ड एट मी एंड शी सेड ये बहुत अच्छा है. वो मोमेंट, फिर जब हमने कोल्ड पायरोस में उसकी एंट्री करवाई, तब भी मुझे वहां उससे बैठ के बोला ये बहुत अच्छा था. सो ऑल दैट, मतलब सारी मेहनत सब वसूल हो गया, सब 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 कुछ, कुछ थकान नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि हमारी गुड़िया खुश है, बस दैट्स इट. और कुछ नहीं चाहिए. इसी तरह वो हमेशा खुश रहे, बहुत 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 ज़्यादा पीसफुल रहे, यही दुआ है. सबा और सनी दोनों एक साथ बहुत खुश रहें. लेकिन लेकिन अभी पार्टी कंप्लीट नहीं हुई है, मुंबई की रिसेप्शन अभी बाकी है. सो उसकी तैयारी हम शुरू करेंगे कल से. काफ़ी तैयारी हो चुकी है, जो लास्ट मिनट प्रेपरेशन है वो शुरू करेंगे कल से. आप सब ने बहुत प्यार दिया है सबा की शादी की पूरी सीरीज को. सबा और सनी को बहुत सारी दुआएं दी हैं, ऐसे ही उन्हें दुआएं देते रहिएगा कि वो अपनी जिंदगी के इस नए सफर में बहुत खुश रहें. एंड लव यू ऑल.